हेलो एवरीवन, मैं फिर पावना ठक्कर। आज हम डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस यूनिट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के एग्जांपल्स देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए एक नेसेसरी कंडीशन कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। आज हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री मैट्रिसेस। तो पहले हमें इसमें क्या करना है, फर्स्ट जो टू मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लीकेशन और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। So, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 0 and 2, 3, 1. पहले क्या करना है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर, ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ रोज यहां पे है 1 रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3. So order is 1/3. Now order of this matrix, number of rows 3 and number of columns 3. So order is 3/3. Multiplication में एक condition पहले हमें देखने है, necessary condition इसमें क्या है कि multiplication is possible if number of columns of first matrix equals to the number of rows of second matrix. तो ये equal है और तो means multiplication is possible and multiplication करके जो matrix मिलेगा means resultant matrix उसका order होगा outer number means 1/3. अभी multiplication करते हैं equal to. Now first row एंड फर्स्ट कॉलम उसके जो एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से उसका मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। सो 1 into 3, 3, 1 into 1, 1, plus 2 into 2, 4. नाउ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 1 into 1, 1, 1 into 1, 1, plus 2 into 3, 6. Now first row and third column. So 1 into 2, 2, 1 into 0, 0, plus 2 into 1, 2. Equal to 4 plus 3 plus 1, 8, 8, 4. ये जो matrix है उसका order है 1/3. Now multiplication of this two matrices. Means now 8, 8, 4 and third matrix 1, 5, 3. Now order of this matrix 1/3 and order of this matrix is यहाँ पे कितनी रो है, 3 और कॉलम 1, so 3/3. Now multiplication is possible or not? The number of columns of first matrix means ये जो inner number है वो equal है, so multiplication is possible and जो matrix मिलेगा उसका order होगा outer number means 1/1. Okay, clear? Equal. अभी multiplication करना है तो यहाँ पे first row एक ही row है और यहाँ पे एक ही कॉलम है, सो 8 into 1, 8 plus second element, 8 into 5, 40 plus 4 into 3, 12 equal to 40 plus 8, 48 plus 12, 60. तो ये जो मैट्रिक्स मिला उसका ऑर्डर है 1/1.
नाउ सेकेंड एग्जाम्पल ए इक्वल टू, यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स है, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स मीन्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो. तो पहले हमें इसमें ए स्क्वेयर फाइंड करना है. सो ए स्क्वेयर इक्वल टू ए इंटू ए, जो मैट्रिक्स है ए उसका मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. सो 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1. यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2x2, तो आंसर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर होगा 2x2. सो इक्वल टू, नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 3 into 3 9 प्लस 1 into -1 -1. नाउ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सो 3 into 1 3 1 into 2 2. नाउ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो -1 into 3 -3 2 into -1 -2. नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 into 1 -1 प्लस 2 into 2 4. इक्वल टू 9 minus 1 8, 3 plus 2 5, -3 minus 2 -5 -1 plus 4 3. मैट्रिक्स आया ए स्क्वायर. आया समझ में? नाउ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i ये फाइंड करना है ना हमें. सो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 8 5 -5 3 -5. नाउ ए गिवन मैट्रिक्स 3 1 -1 2 प्लस 7i. I means identity or unit matrix in which elements of principal diagonals are 1 1 and other elements are 0. So 7 1 0 0 1 i. Okay, equal to. Minus. Now multiply all the elements of this matrix by 5. So 5 into 3 15, 5 into 1 5, 5 into -1 -5 into 2 10 plus 7 0 0 7 equal to. Now addition and subtraction of their corresponding elements. So first element, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 8, यहां पे है 15 और ये है 7. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, 8 minus 15 plus 7, 8 minus 15 plus 7. नाउ सेकेंड एलिमेंट 5 minus 5 plus 0. नाउ -5 -5 plus 5 and 3 minus 10 plus 7 equal to 8 minus 15 plus 7 0, 5 minus 5 0, -5 plus 5 0 and यहाँ पे 0 आएगा, that is 2 means 0 matrix. तो ये होगा कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. ओके, क्लियर? थैंक यू.